अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शबे बारात की खास दो रकत नमाज पढ़ने के बारे में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा फजीलत वाली ये नमाज है। अगर आपने इस नमाज को पढ़ लिया तो आप इसकी बरकतें देखकर हैरान रह जाओगे। हर दुआ कबूल होगी, सभी गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जो भी ख्वाहिश आपकी होगी वो ज़रूर पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। इस नमाज को पढ़ने के बाद जो भी अल्लाह पाक से आप मांगोगे आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत छोटी और बहुत आसान लेकिन फ़ायदेमंद बेशुमार हैं। आइए देखते हैं इस नमाज को पढ़ने का पूरा तरीका। दो रकत नमाज नफिल इस तरह से पढ़ें, नियत करें। नियत की मैंने दो रकत नमाज नफिल शब बारात की वक्त मौजूदा वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। दोनों हाथ कानों तक उठाएंगे, नियत बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे, सुबहाना पढ़ें, औजु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें और इसके बाद एक बार सूरह फातिहा पढ़ें और एक बार सूरह अल कद्र पढ़ें। इसके बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद 27 बार पढ़ें। इसके बाद आम नमाज की तरह रुकू और दोनों सजदात मुकम्मल करें। अल्लाह अकबर के साथ आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। दूसरी रकात में ध्यान रखें आप सना नहीं पढ़ेंगे, एक बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे, एक बार सूरह अल कद्र पढ़ेंगे और 27 बार आप सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे। रुकू और सजदे मुकम्मल करके आप कायदे में बैठ जाएंगे। कायदे में आम नमाज की तरह एक बार अतियात पढ़ें, एक बार दरूद इब्राहिम पढ़ें और एक बार दुआएं माशूरा पढ़कर सलाम फेर कर अपनी नमाज को मुकम्मल करें। सलाम फेर लेने के बाद